जी इस वक्त हम रेडी हैं मूसा के मसल्ले के लिए, इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, इस वक्त 11 बज रहे हैं। अच्छा पहुंच गए हम और यहाँ से आगे सफर का आगाज करेंगे। इस वक्त हम सके मसल्ले पर ट्रैक पे हैं। ऐसा बर्फ के करीब होते जा रहे हैं और सख्त हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है। ये हमारे सामान वाला घोड़ा कैंपिंग साइट पर पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और अपनी कैंप साइट से 1.5 घंटे के फासले में नीचे थोड़ी देर रेस्ट किया था और अब सफर आगे जा रही है। बर्फबारी शुरू हो गई है और अभी काफ़ी तेज़ हो रही है और अपनी कैंप साइट से ऑलमोस्ट 15 to 20 एक घर के अंदर हमने कल बजाया क्योंकि घर की छत जो है तो वैसे पानी आ रहा है, इसलिए जमीन बजाया और सामने फिर भी जाओ सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने यहाँ से समिट के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह 2-3 बजे तक हम समिट पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रात 6-7 बजे तक हमारी वापसी हो जाएगी। इस वक्त हम मूसा के मसल्ले के रास्ते में धूप निकल चुकी है और दो बंदे हम पीछे बाकी टीम आगे और तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैक करते हुए। सामने चुरको है
यहाँ से हमने अपना सफर आगे जारी करना है। 2 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैकिंग करते हुए। ऑर्डर चला रहे हैं, ये भाई बरस पानी बना रहे हैं। निशान भाई यार, ये तेरा बंदा है जेड़ा ना, के नाम है सदा नकाश, ए नकाश भाई हैं। मैं डॉक्टर साहब ने नसीहत का मतलब गली क्रॉस करके साहरी, इसके बाद स्टीव स्टार्ट होने वाला। हमने मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, इस वक्त हम कोई 650 मीटर तक नहीं है। पट्टी साहब मोटरसाइकिल मसाला सबमिट करते हुए खूबसूरत नजारा। हेलो पट्टी, डॉक्टर पट्टी, योर कमेंट्स प्लीज, हाउ अबाउट दिस ट्रैक? फाइनली हम मसाले की समिट पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शान भाई ने बड़ा एफर्ट दिखाया है, सबमिट करके वापस नीचे पहुंच जाए हैं। और इसके बाद हमने नीचे गली में स्टे करना है और हम तकरीबन गली से थोड़ा ही दूर है नीचे गली। इस वक्त मैं अकेले ट्रैकिंग कर रहा हूँ और बाकी टीम पीछे ऊपर पहाड़ पे। Thank you.
अभी से मिल कर रहे हैं, अभी ने हमने तकरीबन 1 घंटा रेस्ट किया और अब हम सेंटिंग कर रहे हैं साइड की तरफ। अभी दूंगा नीचे से जा रही है ये जी इशफाक भाई, डॉक्टर साहब और आज की टीम वो ऊपर से आ रही है और हम नीचे खोड़ी पहुंच चुके हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज हमारी वापसी का दिन है। ये इशफाक भाई, भट्ट साहब और डॉक्टर साहब नीचे बैठे हैं। इस वक्त हमारी वापसी हो रही है और ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के बाद हम अपनी गाड़ियों के पास पहुंच जाएंगे। बहुत सारी टीम नीचे उतर गई है और मैं सामान की पैकिंग के लिए रुका था। ये जी स्मिट की सेलिब्रेशन हो रही है ड्यू के साथ वापस आके। वापस अपनी गाड़ियों तक पहुंच चुके हम और हमारी एक्सपेडिशन एंड हो गया। इस्लामाबाद के लिए वापसी है हमारी।